खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वायुसेना में शामिल हुए दुनिया के सबसे मजबूत 8 अपाचे हेलीकॉप्टर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में पूजा के बाद तैनात किए गए। राजस्थान के अजमेर में पैतृक गांव में हुआ शहीद जवान हेमराज जाट का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए थे। नवी मुंबई के ONGC प्लांट में आज आग लग गई। आग में CISF के 4 जवान समेत 5 लोगों की जान गई है। यूपी के बरेली में मिड डे मील बनाते समय लगी आग, प्रिंसिपल, टीचर और 2 बच्चे घायल। असम के जोरहाट में डॉक्टर की पीट पीट कर हत्या, विरोध में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर गए। आज दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिर गई, 2 लोगों की जान गई, 3 घायल। एक ईंट की दीवार पर बनाया गया था पूरा मकान। दिल्ली में इंडिया गेट पर बेकाबू डंपर ने आइसक्रीम खा रही बाप बेटी को कुचला, 3 ऑटो को भी मारी टक्कर, 2 की मौत। MP के बड़वानी में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। गुरुग्राम में 5 नए ट्रैफिक नियम तोड़ने पर युवक को 23,000 का जुर्माना लगाया गया। युवक 16,000 की पुरानी स्कूटी चला रहा था। दिल्ली के गेटर कैलाश में बुजुर्ग की हत्या केस में आरोपी नौकर समेत 5 गिरफ्तार हुए। नौकर ने 90 साल के बुजुर्ग को बेहोश कर फ्रिज में बंद कर मार डाला था। हरियाणा के करनाल में SBI बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में बदमाशों ने लूटपाट की, वारदात CCTV में कैद। MP के नरसिंहपुर में बादल फटने से कई गांवों में बाढ़ आई, गांव के कई मकान ढहे। यूपी के प्रयागराज में बिजली गिरने की वजह से 1 की मौत, 3 लोग झुलसे। तेज बारिश की वजह से उत्तराखंड के हल्द्वानी में शहर में कई जगह पानी भर गया। अपने पति क्रिकेटर मोहम्मद सामी पर टॉर्चर के आरोप लगाने वाली हसीन जहां बोली, ममता बनर्जी की वजह से वो बंगाल में सुरक्षित हैं, वरना अमरोहा की पुलिस ने कर दिया था परेशान। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने T20 से संन्यास का ऐलान किया। पुणे में 25,000 महिलाओं ने एक साथ गणपति की पूजा की, दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में गूंजे शंख। बैंकिंग सेक्टर पर सरकार का फैसला, IDBI बैंक को 9,000 करोड़ रुपए सरकार और LIC मिलकर देंगे। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 770 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, निफ्टी भी धड़ाम। यूपी में बिजली बिल अब महंगा होगा, बिजली के दामों में करीब 10% का इजाफा। असम में NRC लिस्ट से एक पूरे गांव का नाम गायब, 1500 हिंदू बंगाली गांव में रहते हैं। कल से रूस दौरे पर PM मोदी, मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन रेल यात्रियों के लिए खास योजना शुरू करेंगे।